रीढ़ की हड्डी की बीमारी अब लाइलाज नहीं। रीढ़ की हड्डी में बढ़ रही बीमारियों के मद्देनज़र मैक्स हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जरी निदेशक डॉक्टर मनीष वैश्य ने एक नई तकनीक के माध्यम से ऑपरेशन करते हुए समाज से एक डर मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक समय में बढ़ रही रीढ़ की हड्डी में बीमारियों को देखते हुए नोएडा वैशाली स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़े न्यूरोसर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर मनीष वैश्य ने आज मुरादाबाद के सेंटर पर जानकारी देते हुए बताया कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों को देखते हुए मिनिमली इन्वेसिव तकनीक की मदद से स्पाइन की मुश्किल सर्जरी को आसानी तरीके से किया जा रहा है। इस तकनीक के माध्यम पेशेंट को अस्पताल में ज्यादा रुकने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन के अगले दिन ही मरीज अपने घर जा रहे हैं। इस विधि में दूरबीन तकनीक से बीमारी को ठीक किया जा रहा है। डॉक्टर वैश्य ने बताया कि आज इस बात की जागरूकता फैलाना आवश्यक है कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारी अब लाइलाज नहीं रह गई है। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित मैक्स सेंटर पर आज उन मरीजों को भी मीडिया के सामने लाया गया जिनका हाल ही में डॉक्टर मनीष वैश्य ने इस विधि से ऑपरेशन किया। पीली कोठी से मैं यहाँ तक आया हूँ आराम से, लेकिन इस ऑपरेशन से पहले ये समझे कि 50 कदम भी मैं चल नहीं पाता था। पूरा शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम राम सिंह बिश्नोई जी, ठाकुरद्वारा का रहने वाला हूँ। और अब जो है स्थिति है कि मैं माध्यमिक के पीली कोठी से यहाँ तक चल आया हूँ, सीढ़ी भी चल आया हूँ। अच्छा, डॉक्टर मनीष वैश्य जी साहब ने सर ने मेरा ऑपरेशन किया जी, दूरबीन ऑपरेशन किया दूरबीन से। इसमें खर्च कितना आ चुका? खर्च तो करीब 130 के करीब 140 के करीब आया। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर मनीष वैश्य। हम बोले कि आज के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। ये प्रेस वार्ता का कार्यक्रम किया गया है ताकि समाज में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं, जो डर है, उसको हटाया जा सके। ऐसा माना जाता है कि जो रीढ़ का हड्डी में कुछ ऑपरेशन किया तो हम चलने लायक नहीं रहेंगे, पर जबकि इसका एकदम उलट है। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करने का पर्पज़ यह है या ज़रूरत यह है कि मरीज जल्द से जल्द अपने काम पर वापस जाए, बेड रेस्ट करे, बिस्तरा में पड़ा रहे, ऐसा नहीं है। किस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, क्या इत्यादि करनी चाहिए? सर्वाइकल का अगर गर्दन का नस में दबाव है तो हाथों में झंझनाहट, हाथों में दर्द, पकड़ में कमजोरी, हाथ का छूट जाना या चलने में बैलेंस का बिगड़ना। जो कमर का दर्द में आमतौर पे होता है, पाँव में दर्द, पाँव में सुनपन, झंझनाहट, चलते वक्त में पाँव में दर्द बढ़ना, पेशाब का रुकना या पेशाब का कंट्रोल ना रह पाना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। क्या रीढ़ में अगर किस तरह की प्रॉब्लम हो तो ये अनिवार्य है कि उनका ऑपरेशन ही होना है या किसी मेडिसिन? नहीं, ऐसे नहीं है। ये डिपेंड करता है कि तकलीफ है क्या। अगर नस के ऊपर में दबाव है, दबाव किस कारण से, दबाव डिस्क खिसक जाने के कारण से है या जैसे ओल्ड एज में होता है डिस्क नस का दब जाना, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है नस के अराउंड, उसके कारण से है या कोई इन्फेक्शन की वजह से है या कोई चोट की वजह से है, इस तरह का कोई कारण रहेगा तो दबाव हटाने से मरीज को फ़ायदा होने का संभावना बहुत अधिक होता है। अगर किसी बिना कारण के दर्द है, बहुत सारा सा चीज़ें होती है जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसका अंदर में दर्द बिना कारण के, कोई नस में दबाव नहीं है, उसका लिए ऑपरेशन आप नहीं कीजिएगा। ऑपरेशन करना है जहाँ पे कि नस दब रही है।